बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टूडेंट्स बिटमैप के कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और बिटमैप इमेज पर मुख्तलिफ ऑप्शंस या मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। और आज हम जो ऑप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो ये है कि वेक्टर इमेज पे क्या हम बिटमैप इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो मेरा जवाब जो है वो है नहीं, हम उस वक्त तक वेक्टर इमेजेस पे बिटमैप इफेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते जब तक हम उसको बिटमैप नहीं बना लेते, यानी कन्वर्ट टू बिटमैप। आप नोट करें, अभी ये जो मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, अगर ये एक वेक्टर इमेजेस है, एक टेक्स्ट है, और मैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो इफेक्ट्स है, जो उसके ऑप्शन है उस पर लेके जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि वो सारे ऑप्शन जो है वो इस वक्त डिसेबल है। अब हम इस जो अपने जो हमारा वेक्टर इमेज है हम इसको बिट मैप में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इस बिट मैप को एडिट करेंगे फोटो पेज के अंदर और एक खूबसूरत इफेक्ट लाने की कोशिश करेंगे जो कि टेक्स्ट का आजकल डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इफेक्ट है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, उस वेक्टर इमेज को हमने सिलेक्ट करना है और बिट मैप मेन्यू में जाकर हमने कन्वर्ट टू बिट मैप करना है। जब इसको आप कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और रेजोल्यूशन पूछेगा कि किस रेजोल्यूशन पर आप इसको करना चाह रहे हैं। जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ज्यादा इसकी जो है वो क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। आप देखें यहाँ पे अनकंप्रेस्ड फाइल साइज 6.83 MB बनेगा जब आप इसको 300 DPI पे करेंगे, और जब आप इसको 100 DPI पे करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 7.75 KB जो साइज बनेगा। तो इफ साइज इज नॉट अ प्रॉब्लम आप 300 DPI इसको करें, और कलर मोड आपने सेट करना है RGB CMYK क्या करना चाह रहे हैं वो, और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये एक बिट मैप इमेज बन चुका है और हम इस बिट मैप इमेज पे अब तमाम इफेक्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम नॉर्मल बिट मैप पे करते हैं। तो अब हम इस बिट मैप को एडिट करेंगे, और जब आप एडिट बिट मैप पे क्लिक करेंगे तो एक और सॉफ्टवेयर जो है कोरल का, कोरल फोटो पेन खुल जाएगा। ये देखो जी, एक कोरल फोटो पेन जो है वो सॉफ्टवेयर खुल गया है और उसके अंदर जो मल्टी मीडिया टेक्स्ट जो मल्टी मीडिया यूनिवर्सिटी जो बिट मैप है ये हमें नजर आ रहा होगा। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। हम एक खास इफेक्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। इफेक्ट मेन्यू के अंदर टेक्सचर के ऑप्शन है, टेक्सचर में यहाँ पे प्लास्टिक इफेक्ट है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो आप नोट करें आपका ये जो बिट मैप है उसमें एक 3D इफेक्ट आ चुका है, और इस जो डायलॉग बॉक्स है प्लास्टिक का उसमें रहते हुए आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें हाईलाइट ज्यादा डाल सकते हैं, ठीक है, और आप इसको जो है वो डेप्थ इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, और इसी तरह आप इसमें स्मूथनेस ज्यादा ला सकते हैं, डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं, आपके ये जो लाइट आपके आ रही है ये हल्की सी लाइट इस तरह। तो इन तमाम ऑप्शंस को यूज करने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे तो अब ये हमारा बिट मैप जो है एक खूबसूरत 3D इफेक्ट में चेंज हो गया। उसके बाद फिनिश एडिटिंग का एक बटन होगा आपके ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार के, ये जो फोटो पेज के ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार पे फिनिश एडिटिंग का, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो कहेगा सेव चेंजेस टू बिट मैप, यस। जब आप इसको ओके कर देंगे उसके बाद ये फोटो पेज को आपने क्लोज करना है। अब आप देखें यहाँ पे मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट था जिस पर हमने बिट मैप बनाया और फिर उसके ऊपर एक खूबसूरत इफेक्ट हमने अप्लाई किया। इसके इस एप्लीकेशन में हमने ये देखा कि बिट मैप को वेक्टर इमेज को बिट मैप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और फिर एडिट बिट मैप के जरिए हमने एक इफेक्ट डालने की कोशिश की जिसमें हमने फोटो पेज खोला और फोटो पेज के अंदर हमने इस बिट मैप को जो है वो अल्टर किया, तब्दील किया।